तो गाइस सर आज आप देखने वाले हो कैसे एक छोटा सा बच्चा अपने घर से दूर होने के बाद बनता है खतरनाक वाला आयरन मैन। उसने करी बहुत सारी प्रैक्टिस, उसने किया बहुत सारा स्ट्रगल और वो बन गया पूर आयरन मैन से रिच गॉड ओपी आयरन मैन। तो चलो देखते हैं ये सब कैसे हुआ, तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बेटा तू मेरी बात सुन ले, हम ये लॉस सेंटर्स छोड़कर जा रहे हैं और तुझे यहाँ पे अकेले रहना पड़ेगा। हम दोनों ये शहर छोड़ रहे हैं। बेटा तुम्हें खुद का ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा, हम यहाँ से जा रहे। अरे पर ऐसा क्यों हो रहा है, आप क्यों जा रहे हो? हमें जाना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अरे हाँ बेटा, आज शाम को हमारी फ्लाइट है, हम यहाँ से चले जाएंगे। अब तू भी इस घर से दूर चले जा, कहीं दूर जाके अपनी दुनिया बसा ले। ठीक है मैं जा रहा हूँ, आप बोल रहे हो तो अभी मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। पर अब मैं जाऊँगा कहाँ? अब मुझे तो कुछ पता भी नहीं है, क्या करूँगा मैं? अरे क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा, मुझे खाने के लिए खाना ढूंढना पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा। अरे वो क्या है, अरे वो पेड़ क्यों वहाँ पे इतना सारा धुआं क्यों निकल रहा है? अरे यहाँ पे तो एक डब्बा पड़ा है, इस डब्बे में क्या हो सकता है, इसमें कितनी सारी लाइटें निकल रही है। रुको मैं जाके देखता हूँ। अरे उसमें तो यार एक मशीन सा कुछ पड़ा था, वो मैंने ले लिया है और मैंने अपनी चड्डी के अंदर रख लिया। चलो यार अपन कुछ काम करने चलते हैं। तो यार अभी मैं हो चुका हूँ पूरे 10 साल का। लास्ट में आपसे जब मिला था तब मैं था 3 साल का। तो यार अभी यार मैं पढ़ाई वढ़ाई करने लगे और जब से मुझे वो डब्बा मिला था तब से मेरी पूरी जिंदगी चेंज हो चुकी है। उसमें से एक चिप निकली थी जो कि मैंने अपने ऊपर लगा ली, तो फिर मेरे साथ बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें होने लगी, वो आपको कभी दिखाऊंगा। पर अभी मैं जा रहा हूँ अपनी क्लास के लिए, तो फटाफट से अपनी क्लास के लिए चलते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या चल रहा है? अरे यहाँ पे ये क्या चल रहा है? अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे इस लड़की को छोड़ दो, मुझे बचा लो, ये मुझे परेशान कर रहे हैं। ओए बच्चा निकल ले यहाँ से वरना तेरी हड्डी तोड़ देंगे। अरे उसको छोड़ दो ना। ए निकलता है कि मारू? अरे जा रहा हूँ। अरे यार ये तो उसको परेशान कर रहे हैं, मुझे इसको बचाना पड़ेगा। और आप सोच रहे हो कि इतना छोटा बच्चा कैसे बचाएगा? मेरे पास वो चिप है, वो बहुत ही स्पेशल चिप है, अभी आपको उसकी पावर्स दिखाता हूँ। लड़की को परेशान करोगे बेशर्मो? ए तू फिर आ गया? अबे आ गया तो निकलो ऐसे, ये लो। ओए ये क्या है? तो गाइस यार ये थी मेरी लेजर वाली पावर जो कि मुझे उस चिप में से मिली थी। अरे थैंक यू बेटा, तुम तो एक सुपर हीरो, तुमने मुझे बचा लिया, बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम ऐसे काम करते रहना। हाँ मैं करता रहूंगा। तो आपको यार यही दिखाना था, तो मेरी जो क्लास है मैं आपको झूठ बोल रहा था, वो थी मेरी ट्रेनिंग की क्लास जो कि मेरी सुपर पावर कंट्रोल करने की क्लास है। यहाँ पे यार मैं ट्रेनिंग करने आता हूँ, वो चिप को और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हो भाई मैं कितनी खतरनाक सी लेजर मारता हूँ। ये देखो सारे टारगेट है जिनपे मैं रोज की रोज प्रैक्टिस करता हूँ, और मैं यार अपनी यार सारी पावर्स को और भी खतरनाक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ उस चिप को भी। और मैंने अभी बहुत सारी चीजें सोची हुई है जो कि मुझे करनी पड़ेगी, पर उसमें मुझे बहुत टाइम लगेगा। और मुझे यार बहुत सारे इक्विपमेंट्स चाहिए, मतलब एक पूरी की पूरी लैब चाहिए। तो वो मेरा सपना यार पूरा मैं करके रहूंगा, पर अभी बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि अभी सिर्फ मैं 10 साल का हूँ, तो अभी मुझे इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो अभी मैं हो चुका हूँ पूरे के पूरे 25 साल का, और आपसे मैं लास्ट मिनट था 10 साल का तब मैं चाह। और अब यार मैंने वो चिप को बहुत ही ज्यादा अपग्रेड करके एक दिल की तरह बना दिया, वो अपने सीने में लगा लिया। और यहाँ पे एक पब्लिक लैब में मैं काम करता हूँ। मुझे यार वैसे तो प्राइवेट लैब चाहिए थी, पर उसके लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं, तो मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। और मैंने अपने लिए बहुत ही खतरनाक सा सूट भी बनाया जो कि उड़ता भी है, अभी आपको दिखाता हूँ। उस सूट को मैं बुलाता हूँ, सैटरडे मेरे अंदर समाओ। तो ये देखो यार ये है मेरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा सूट जो कि मेरा सबसे पहला सूट है, मतलब इससे पहले भी सूट बनाए थे पर वो कभी चले नहीं। जो ये सबसे पहला सूट है जो कि उड़ सकता हूँ मैं इसमें, और इसमें यार लेजर्स भी है, मिसाइल्स भी है, बहुत सारी चीजें। और अभी मुझे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है, तो अभी मैं जा रहा हूँ वहां पर सीधा उड़ के फुल स्पीड में। आप बताओ यार फटाफट से कि कैसा लग रहा है मेरा पहला बनाया हुआ सूट। और लॉस सेंटर्स में बहुत टाइम से रह रहा हूँ, और यहाँ पे सारे लोगों की मैं मदद करने लग गया हूँ जो भी यार परेशानी में होता है। और कभी कभी मेरी वजह से भी परेशानी हो जाती है, पर कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। और मैं चाहता हूँ तू एक घर में जाके, वहाँ पे बहुत सारे गुंडे रहते हैं, उन सबको तेरे को मारना पड़ेगा। तो और वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक सा ट्रक है जो कि मुझे चाहिए, उसमें बहुत ही जरूरी सामान है जो कि मेरा है, उन्होंने चोरी कर लिया है। अगर तू मुझे वो लाके देगा तो मैं तेरे सारे सपने पूरे कर दूंगा टोनी। तुझे लैब चाहिए थी ना, लैब दूंगा, तुझे गाड़ी बंगला घर सबका सब दूंगा, बस तू मुझे वो ट्रक ला दे। अरे आप टेंशन मत लो, मैं अभी के अभी जाके उस ट्रक को लेके आता हूँ और फिर आप बस मेरा सपना पूरा कर देना। तो इस घर में से मुझे वो ट्रक चुरानी है। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, पर उन्होंने बोला ये सब गुंडे, तो इनको मारने में शर्माना क्या? गुंडों को मारने में मैं बिल्कुल भी नहीं शर्माता। तो अभी मैं इन सबको फटाफट से मारने वाला, बहुत ही बुरी तरीके से इनको फटाफट से मारती। ये लो तो यार ये मेरी लेजर यार थोड़ी कंट्रोल हो जाती है, पर कभी कभी इधर उधर चली जाती है, तो थोड़ा सा अरे कौन मार रहा है मेरे को, अब इनको बता दो। इनके ऊपर तो मिसाइल फेंकनी पड़ेगी, मेरे को गोलियों से मार रहे हैं। मेरे सूट को गोलियों से मतलब फर्क पड़ता है, पर ज्यादा इतना कोई असर
नहीं होता, अब इनको फटाफट से मारते हैं। अबे कितने सारे गुंडे, इन सबको मुझे मारना चाहिए। ये लो ये लो ये लो ये लो, अरे गोलियों से मुझे कुछ नहीं होता, ये लो ये लो ये लो। तो गाइस अभी मैंने इन सबको खत्म कर दिया है, और ये रही वो ट्रक जो कि मुझे लेके जानी है। फटाफट से इसको उठा लेते हैं। आप देख सकते हो मेरी शक्ति मतलब मेरी पावर कितनी, मैंने पूरी की पूरी ट्रक अपने हाथ में उठा ली है, मतलब मेरी नहीं सूट की पावर है। तो अभी फटाफट से इसको यहाँ पे अपन रख देते हैं। ये लो आपका ट्रक आ चुका है, अब बस आप मेरे सारे के सारे सपने पूरे कर दो। तो अब मेरी यार पर्सनल लैब होगी, मेरा घर होगा, मेरी गाड़ी होगी, मेरा बंगला होगा, बहुत ही मजा आएगा। तो यार अब मैं हो चुका हूँ पूरे 40 साल का, बहुत टाइम हो चुका है मुझे लॉस सैंटोस को बचाते। मैंने अपना पूरा का पूरा घर सेट कर लिया, अपनी पूरी लैब सेट हो चुकी है, और ये नया इतना मस्त सा सूट बना रहा है। ये देख सकते हो पिछला सूट मेरा जो आपने देखा था वो कितना अजीब सा था, पर ये सूट बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पे मेरी गाड़ियां खड़ी है, यहाँ पे मेरी बाइक्स खड़ी है, और यहाँ पे मेरे और भी जो मैंने सूट बनाए थे, पर अभी तक का सबसे खतरनाक जो सूट है वो मैंने पहन रखा है। ये देख सकते हो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक सूट है। इधर यार मैं पूरा का पूरा अपना काम करता हूँ, सारे के सारे सूट बनाता हूँ, और ऊपर रहता हूँ वो भी आपको चल के दिखाता हूँ। तो चलो यार थोड़ी सी न्यूज देख ली जाए। लॉस सैंटोस पर भारी हमला, एक बैंगन जैसे दिखने वाले ने लॉस सैंटोस पर किया हमला, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है वो, लोग उसको बोलते हैं थेनोस। लॉस सैंटोस में पता नहीं कोई भी आ जाते हमला करने, मुझे लगता है मुझे एक टीम यार बनानी पड़ेगी जो कि लॉस सैंटोस का ध्यान रखेगी। ये क्या है भाई, ये क्या था, अबे ये कौन है, तू कौन है पित्ती? मैं पित्ती नहीं हूँ, मैं हूँ लॉस सैंटोस का रक्षक आयरन मैन, मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, ये ले। अरे पित्ती ये मुझे गुलगुली क्यों कर रहा है, अभी देखो बताता हूँ। अरे इसकी शक्ति तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, अरे भाई से तो मेरी हालत खराब कर दी, अरे छोड़ दे। लॉस सैंटोस के रक्षक क्या इतने ज्यादा कमजोर है, आ जा मेरे अंदर। अरे उसने तो मेरी पूरी हालत खराब कर दी, मेरा सूट का कचूमर बना दिया। मैंने सोचा था वो जो सूट है वो दुनिया का सबसे खतरनाक सूट है, पर ये कौन सी पावर्स थी इसके पास, ये थेनोस तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, इससे मैं नहीं लड़ सकता, अकेला तो बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले तो मुझे अपने पहले वाले सूट को ठीक करना पड़ेगा, फिर उसको और ज्यादा अपग्रेड करना पड़ेगा, तभी यार मैं उससे लड़ पाऊंगा, वरना तो वो पूरी लॉस सैंटोस की 12 बजा देगा। पर मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पहले तो इस सूट को ठीक करते हैं। तो अभी यार पूरे के पूरे 5 साल बीत चुके हैं, लॉस सैंटोस में थेनोस ने बहुत ही बुरा हाल कर दिया, पर आज आखिरकार मेरा इन्वेंशन सक्सेसफुल हुआ। मैंने बना दिया एक बहुत ही खतरनाक सा हल्क बस्टर सूट, जिसमें मेरी मदद करी इन हल्क भाई ने, ये मेरी टीम में आ चुके हैं, मतलब हम दोनों यार एक टीम में काम करते हैं पूरे के पूरे लॉस सैंटोस को बचाने में। ये भी थेनोस से लड़ने गए थे पर इनकी भी हालत खराब हो गई थी, तो हम दोनों ने मिल के बनाया एक हल्क बस्टर सूट, जो अभी मैं जाने वाला हूँ थेनोस से लड़ने। आज उसको मैं खत्म करके आऊंगा, उसने बहुत सालों से यार सेंटोस में पूरी हालत खराब कर रखी है। थेनोस मैं आ गया आखिरकार आज तेरे से लड़ने, तो फिर से एक नया खिलौना ले आया, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। अरे ये तो इसने मुझे पत्थर बना दिया, अबे इसकी शक्ति तो बहुत ज्यादा खतरनाक होती जा रही है, पिछली बार जब इससे लड़ा था तब इसके पास इतनी शक्ति नहीं थी, ये क्या कर दिया। अरे भाई साहब ये क्या कर रहा हूं मैं, अरे भाई मुझे इससे लड़ना पड़ेगा, अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, रुको पूरा लड़ाई वाला मोड एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये इसको बिल्कुल ही छोड़कर ये निकल यहां से, आज तो मैं तेरे को बिल्कुल खत्म कर दूंगा, आज तेरे को इस पूरी पृथ्वी से दूर जाने पड़ेगा, ये ले आज तो इसको बिल्कुल भी छोड़ने वाला। अरे पित्ती आजा फिर लड़ते हैं। लड़ते क्या, निकल यहां से सारे, इसको तो बिल्कुल छोड़ के, ये ले सारी की सारी पावर यूज कर दूंगा। तो गाइसर आखिरकार मैंने थेनोस को खत्म कर दिया, मतलब मैंने आयरन मैन ने इस हल्क बस्टर के सूट से खत्म कर दिया। अगर हल्क मुझे नहीं मिला होता तो यार मैं थेनोस को कभी नहीं हरा पाता, और लॉस सैंटोस को भी कभी नहीं बचा पाता, पूरा का पूरा लॉस सैंटोस पूरी की पूरी पृथ्वी खत्म हो जाती, पर हमने इसको बचा लिया। तो गाइसर आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसी लगी वीडियो फटाफट से कमेंट में बता दो। ऐसे ही आप पूरे के पूरे लॉस सैंटोस को बचाते रहेंगे, पूरे के पूरे पृथ्वी को यार सुरक्षित रखेंगे। तो इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके जॉइन और फॉलो कर लो, वहां पे बैठ के मस्त मस्त बातें करेंगे, और मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।